ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी मैंने लिख दिया। एक और मैंने कहा चलिए क्वेश्चन पार्ट कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। वो कहते हैं कि इन पेयर ऑफ पॉइंट में से आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि फर्स्ट पॉइंट का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसको आपने बोलना है एक्स वन, और सेकेंड पॉइंट को आपने नेम देना है वाई वन। इसी तरह इसके सेकेंड पॉइंट के फर्स्ट वैल्यू को आप एक्स टू बोलेंगे और सेकंड वैल्यू को आप वाई टू बोलेंगे। यहाँ पे फार्मूला जो है वो ऑलरेडी वो ऊपर लिखा हुआ है, मैंने अभी तक उसको रेज नहीं किया पिछली वीडियो से, ताकि आप आसानी के साथ इसको याद कर लें। तो मुझे लिखना होगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ये मैंने लिख दिया इक्वल्स टू, नीचे मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ, ये मैं ब्रैकेट लगा दिया। अब एक्स वन प्लस एक्स टू, मेरे पास एक्स वन तो माइनस फोर है तो मैं यहाँ पे माइनस फोर लिखने लगूँ, प्लस एक्स टू है लेकिन मेरे पास चूँकि माइनस है तो मैं इसको माइनस फोर लिखूंगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। डिवाइडेड बाई टू है तो मैं ये डिवाइडेड बाई टू कर देता हूँ। इसी तरह फिर ये लिखा हुआ है वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू, तो वाई वन की वैल्यू है नाइन, वाई टू की वैल्यू है माइनस थ्री, तो आप इसे लिखेंगे नाइन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस एट डिवाइडेड बाई टू, वाइल नाइन माइनस थ्री इक्वल्स टू सिक्स डिवाइडेड बाई टू। तो इनको फर्दर हम अगर सिंप्लीफाई करें तो माइनस एट डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू माइनस फोर एंड सिक्स डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू थ्री। तो अगर ये दोनों पॉइंट्स गिवन होंगे तो इनका मिड पॉइंट जो है वो माइनस फोर और थ्री आएगा। तो इसी तरह जो रिमेनिंग इसके पार्ट्स हैं काइंडली वो आप इसी फार्मूला के जरिए और इसी मेथड के जरिए आप फाइंड कर सकते हैं।